खबर चित्तौड़गढ़ से। अपहरण एवं 7 लाख रुपए फिरौती लेने का 1.5 वर्ष से फरार एक आरोपी गिरफ्तार। गंगरार व्यवसाय का अपहरण कर 7 लाख रुपए फिरौती लेने का 1.5 वर्ष से फरार एक आरोपी गिरफ्तार हो गया। थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि विगत दिनों प्रमोद कुमार पिता लादूलाल कोठारी निवासी बुढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि 21 अक्टूबर 2020 को शाम को करीब 7:30 बजे चित्तौड़गढ़ स्थित दुकान मंगल करकोट मोटरसाइकिल स्कूल के पास पहुंचा कि सामने से अल्टो कार आई और मोटरसाइकिल के कार आड़े कर मुझे नीचे गिरा दिया। अल्टो कार से 4 व्यक्ति उतरे और मेरे को उठाकर जोर जबरदस्ती से मारपीट करते हुए गाड़ी में पटक कर अपहरण कर मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर रात भर मुझे इधर उधर घुमाते रहे। उन्होंने मेरे मोबाइल से मेरे पिताजी के मोबाइल पर फोन पर कॉल कर पैसे की मांग की। रात्रि करीब 4 बजे मुझे पांडोली और पारोली के बीच में सड़क पर छोड़कर चले गए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान किया गया जिसमें पूर्व में मुलजिमान समीर पिता जाकिर हुसैन मुसलमान निवासी गंगरार, विनोद पिता देवीलाल जाट निवासी कुरातिया थाना गंगरार, साजिद उर्फ राजू पिता सत्तार खान पठान निवासी सिपाही मोहल्ला गंगरार, जाहिद पिता नसीर खान मुसलमान निवासी कालाची की घाटी गंगरार थाना गंगरार को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन मोबाइल फोन एवं फिरौती में ली गई राशि 6,50,000 रुपये पूर्व में बरामद किए जा चुके थे। रतनलाल पिता शंकरलाल जाट निवासी मालकाखेड़ा थाना साड़स, भवरलाल जाट पिता शंकरलाल जाट निवासी मालकाखेड़ा थाना साड़स, भवरलाल पिता ख्यालीलाल निवासी लाखौला थाना गंगापुर जिला भीलवाड़ा की गिरफ्तारी शेष को तलाश जारी थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नीति जैन पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में फरार एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़ के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश साधु एम पुलिस उप अधीक्षक व्रत गंगरार सीताराम बैरवा एम रतन सिंह थानाधिकारी के नेतृत्व में फरार अपराधियों की धरपकड़ के तहत एक टीम गठित की। हंसराज ओम प्रकाश रामजीत सिंह ने ह्यूमन इंटेलिजेंस एम तकनीकी साधनों के द्वारा प्रकरण में वांछित अभियुक्त भवरलाल पिता शंकरलाल जाट निवासी मालकाखेड़ा उर्फ रूपपुरा पुलिस थाना साड़ास की तलाश कर एक गिरफ्तारी व कर न्यायालय में पेश किया गया है जहाँ अभियुक्त भवरलाल को 3 KPC रिमांड पर लिया गया है जिसे फिरौती में ली गई 7 लाख रुपए में शेष राशि 50,000 बरामद की एवं साथ ही अभियुक्त गण की तलाश के प्रयास एवं अनुसंधान जारी है।